Hello everyone, welcome to our Avipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 11 subject English Lesson 3. Discovering to the Saga continues. And today's video lecture we will see summary of the lesson. So let's start. Discovering to the saga continues. Yani. टूट की खोज गाथा जारी है ये लिखा गया है ए आर विलियम्स के द्वारा आज के इस लेसन में हम जानेंगे किंग टूट के बारे में किंग टूट कौन थे और इनकी डेथ कैसे हुई यानी किंग टूट जो कि बहुत ही कम एज में यानी टीन एज में किंग बन गए थे और बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी सो मॉडर्न जो लोग हैं मॉडर्न युग है, है उन्होंने उन्होंने ये संदेह लगाया उन्हें ये शंका हुआ कि इनकी डेथ का सही रीज़न क्या है क्या इनकी डेथ किसी ने हत्या की है या इनकी डेथ किसी हत्या की वजह से हुई है या फिर किसी और वजह से इनकी डेथ हुई है सो so, इस तरह से इनकी खोज की गई इनकी टूम को खोजा गया और इनकी मम्मी को निकाला गया और एक्सरे किया गया सिटी स्कैन किया गया ताकि जो एक्चुअल रीज़न उनका पता लगा जा सके किंग टूट बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके फैमिली वाले कई शताब्दियों तक इजिप्ट एंड इजिप्ट के साम्राज्य में शासन किए हुए थे और उनमें से ये अंतिम उत्तराधिकारी थे किंग टूट जो है वो काफ़ी अच्छे किंग थे और जिसकी वजह से लोग इन्हें काफ़ी पसंद भी करते थे और जिसकी वजह से हजारों की संख्या में इनके शहादत पे और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग देश विदेश से आए हुए थे सुख जो किंग टूट थे इनके जो पूर्वज थे वो एक तरह से कह सकती हूँ वो अत्याचारी थे और अपने पूर्वजों के द्वारा की हुई गलतियों को इन्होंने सुधारा था और जिसकी वजह से लोग जो है किंग टूट को काफ़ी अच्छे से मानते थे किंग टूट का जो प्रारंभिक नाम था वो टूटन खाटेन था और इन्होंने अपना नाम चेंज कराया और इनका नाम हो गया टूटन खामुन इनके जो पूर्वज थे वो आर्टेन गॉड आर्टेन को मानते थे और जो लोग थे उस जमाने में वो आमून को माना करते थे सो ये जो है अपनी प्रजा की बात सुनते थे और इसीलिए इन्होंने आमून को मानना स्टार्ट किया यानी गॉड आमून की ये पूजा करते थे वर्शिप करते थे सो आटेन से इसीलिए इन्होंने अपना नाम चेंज किए आमून टूटन खाटेन टूटन खामून इनका जो जन्म हुआ था वो थर्टीन फोर्टी यानी ईसा पूर्व में हुआ था और ये 11 वर्ष की एज में ही किंग बन गए थे और लगभग नौ वर्ष तक इन्होंने शासन किया और अचानक से इनकी डेथ हो गई यानी बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई उस जमाने जो उस जमाने में जो किंग हुआ करते थे उन्हें इजिप्शियन लैंग्वेज में फेरो कहा जाता था एंड पहली बार इनकी टूम को खोजा गया था 1922 में किनके द्वारा हावर्ड क्वार्टर के द्वारा अब इनकी डेथ हो गई थी अब इनकी जो मम्मी है उनको एक बार फिर से निकाला जाने वाला था यानी जो जाही हवास थी जाही हवास कौन थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ एजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एटिक्विटीज अब जो जाही हवास है वो इनकी मम्मी को एक बार फिर से निकालने वाले थे और वो जो समय था वो फिफ्थ जनवरी टू थाउजेंड फाइव को था एंड जो जाही हवास है वो इनकी मम्मी को एक बार फिर से निकालने वाले थे एंड उस जमाने में जो सीमेट्रिक हुआ करता था जो कब्रिस्तान था उसे वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता था क्योंकि उस सिमेट्री में जो किंग्स हुआ करते थे उनको बरी किया जाता था अब उस समय इनकी डेथ के 3,300 वर्ष बाद उनकी मम्मी को एक बार फिर से निकाला जाने वाला था जो कि 26 फीट नीचे अंडरग्राउंड था सो so, इस तरह से जो लोग थे हज़ारों की संख्या में जो पर्यटक थे वो देश विदेश से आए हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ताकि वो उनकी मम्मी को देख सके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सके क्योंकि जो किंग टूर थे वो काफ़ी अच्छे किंग थे अब जब लोग आए हुए थे जब इनकी मम्मी को निकाला जा रहा था तब तेज़ हवाएँ चल रही थी तेज़ हवाएँ चल रही थी जो बादल था वो काफ़ी काला हो गया था एंड तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी यानी भूतिया टाइप की आवाज़ें आ रही थी अब फाइनली इनकी टूम को निकाला गया इनकी मम्मी को निकाला गया अब जब निकाला गया तब जहा हवास ने जब देखा तो इनकी जो मम्मी थी वो काफ़ी ख़राब स्थिति में थी बहुत ही ख़राब स्थिति में थी यानी कि फिफ्थ जनवरी 2005 को जब निकाला गया था तब इनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी तब जही आवाज़ जो है वो आगे बताते हैं कब जब इनकी टूम को पहली बार खोजा गया था 1922 में किन के द्वारा हावर्ड क्वार्टर के द्वारा में सो वो कहते हैं कि हावर्ड क्वार्टर ने इस मम्मी के साथ ऐसा क्या किए हैं जिसकी वजह से इसकी स्थिति इतनी ख़राब है तब वो आगे बताते हैं हावर्ड क्वार्टर के बारे में हावर्ड क्वार्टर कौन थे हावर्ड क्वार्टर वो थे जिन्होंने नाइनटीन में डिस्कवर किए थे टूट के टूम को एक ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे और इस तरह से इन्होंने खोज किया था जब इन्होंने 1922 में इनकी मम्मी को निकाला था तो उस समय जो मम्मी की स्थिति थी वो ठीक ठाक थी बट इन्होंने उनके साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनकी जो टूम थी उनकी जो मम्मी थी उनकी स्थिति खराब हो गई थी सो आगे जो है हावर्ट क्वार्टर के बारे में बताते हैं हावर्ट क्वार्टर जो है उस समय जब 1922 में खोजे थे तो उस समय उस ज़माने में क्या हुआ करता था जो लोग थे वो ये मानते थे कि मृत्यु के बाद लाइफ है यानी मृत्यु के बाद लोगों की जीवन है और इसीलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती थी जब खास करके किंग्स की राजाओं की जब मृत्यु होती थी तो उसके साथ कई सारी चीज़ें डाली जाती थी यानी उनके मम्मी के साथ सो यहाँ पे जैसे कि उनके साथ बोर्ड गेम्स डाले थे एंड ब्रोंज रेजर लिनन अंडर गारमेंट्स यानी कपड़े कैसेज ऑफ फूड एंड वाइन यानी खाने पीने की चीज़ें एंड जो शराबे हैं वाइन से जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ये सारी चीज़ें उनके मम्मी के साथ बरी किया गया था क्योंकि उस ज़माने में ये माना जाता था कि अगर किसी की डेथ होती है तो वो जो चीज़ें उपभोग कर सकते हैं वो सारी चीज़ें डाली जाए क्योंकि डेथ के बाद फिर से लाइफ है सो so, आगे जो है बताते हैं कि हावर्ड क्वार्टर ने जब खोजा था सो so, उस समय उनकी मम्मी के साथ कई सारी चीज़ें थी उनकी मम्मी को कॉफिन में डाला गया था यानी उस समय तीन कॉफिन थे एक के ऊपर एक तीन कॉफिन थे जब फर्स्ट कॉफिन को जब खोला गया तो उसमें कई सारी चीज़ें थी जैसे गार्लेंस ऑफ विलो एंड ऑलिवर लीव्स, वाइल्ड सेलरी लोटस पैटर्स एंड फ्लावर्स अब ये सारी चीज़ें थी जैसे पत्ती हो गए लकड़ी हो गए फ्लावर्स हो गया, ये गए ये सारी चीज़ें डाली गई थी जब ये सारी चीज़ें डाली गई थी तो इससे ये पता चलता है कि ये जो डेथ हुई थी ये जो घटना घटी थी ये शायद मार्च अप्रैल की घटना है क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी मंथ में मिलती है सो इस तरह से उन्होंने कहा जब उनको और खोजा गया जब दूसरे कॉफिन को और निकाला गया तब उस कॉफ़िन में रेजिन डाला गया था रेजिन जो कि उस ज़माने में एक परम्परागत तरीके से डाला जाता था यानी जो बॉडी है वो खराब ना हो इस वजह से रेजिन को डाला गया था अब जो रेजिन था वो मम्मी से इस तरह से चिपक गया था कि मम्मी एंड जो कॉफिन है वो अच्छे से सेट से हो गया था सीमेंट की तरह चिपक गया था और उसे निकालना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उसे निकालना भी ज़रूरी भी था क्योंकि अगर वो नहीं निकालते तो जो थीव्स है चोर है वो आ जाते और मम्मी की स्थिति खराब हो जाती क्योंकि जो सारी चीज़ें थी वो सोने की बनी हुई थी सो लोग जो है चोर जो है वो चुरा करके ले जाते और मम्मी की जो स्थिति होती है और ज़्यादा ख़राब हो जाती और इसीलिए उन्हें कैसे भी करके निकालना जरूरी हो गया था अब जो हवर्ड कार्टर है वो निकालने के लिए कई तरकीब अब अपनाए जैसे उनकी मम्मी को घंटों तक धूप में रखा गया क्यों क्योंकि उस समय यानी इजिप्ट इजिप्ट के जो तापमान होता है वो काफ़ी हाई रहता है 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखा गया घंटों तक फिर भी वो रे, जो रेजिन है वो नहीं निकला उसके बाद उन्हें कैसे भी करके छैनी हथौड़े का यूज़ करके उनकी मम्मी को अलग किया गया रेजिन को निकाला गया और इनकी जो मम्मी है जो कॉफिन है उनको अलग किया गया और उसके बाद उन्हें लकड़ी के एक बक्से में रेत के साथ डाला गया ताकि जो मम्मी है वो सुरक्षित रहे इस तरह से ये सारी चीज़ें ये सारी तक तरकीबें जो है वो अपनाई गई आगे अब देखा गया तो और कई सारी चीज़ें थी कई सारे कीमती आभूषण थे जैसे प्रिशियस कॉलर्स थे नेकलेस थे जो गले में पहने जाते हैं ब्रेसलेट्स रिंग्स एमलेट्स ताबीज़ थे सैरामोनियल एप्रन सैंडल्स थे एंड सीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टू टोज थे एंड आइकॉनिक इनर कॉफीन थे जो कॉफीन था वो भी सोने का बना हुआ था तो ये सारी चीज़ें ये सारे कीमती आभूषण उनके साथ थे और इन सारी चीज़ों को निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर वो नहीं निकालते तो जो थीव्स सब वो आकर के चुरा कर ले जाते अब ये तो रही हावर्ट कॉटर की जैसे कि उन्होंने उनकी उनके टुम को खोजा उनकी मम्मी को निकाला और निकालने के बाद ये जो सारी चीज़ें हैं कीमती चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को निकाला गया अब इनकी खोज के चालीस वर्ष से अधिक के बाद यानी कि इन्होंने जब खोज की थी हावर्ट कॉटर ने उन्होंने खोज की थी नाइनटीन टेंटी में अब आ जाते हैं 1968 में 1968 में यानी 40 वर्ष से ज्यादा उस समय उसके बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे उन्होंने उनकी मम्मी का एक्सरे किया अब जब उन्होंने एक्सरे किया तब कई सारी चीज़ें सामने आई जैसे उनकी जो ब्रेस्ट बोन है यानी छाती का जो छाती की जो हड्डी है एंड जो फ्रंट रिप्स है यानी फ्रंट पार्ट की जो रिब्स है पसलियाँ हैं वो गायब थी सो ये सारी चीज़ें सामने आई आगे जो है बताते हैं कि आमिन थर्ड थे आमेन थर्ड कौन थे ये उनके पूर्वज थे किंग टूट के पूर्वज अमेन थर्ड जो है वो टूट के फादर थे किंग टूट के फादर या फिर ग्रैंडफादर थे और ये पावरफुल फैरो थे यानी उस ज़माने में किंग को फ़ैरो कहा जाता था सो वो पावरफुल फ़ैरो थे और ये लगभग चार दशकों तक शासन किए हुए थे ये काफ़ी शक्तिशाली थे इसके बाद आए इनका बेटा इनका बेटा था आमेन होटे फोर सन ऑफ आमेन होटे थर्ड यानी आमेन होटे थर्ड के ही बेटे थे और ये प्रमोट करते थे गॉड आर्टेन को यानी जो लोग थे वो आर्टेन की पूजा नहीं करते थे फिर भी ये जबरदस्ती उनकी पूजा करवाते थे यानी आर्टेन गॉड आर्टेन की पूजा करवाते थे और इन्होंने अपना नाम चेंज करा करके क्या किए आमेन होटे फोर से आखेन आटेन की आर्टेन वर्ड इन्होंने जोड़ा था अपने नाम में एंड जिसका मतलब होता है इनके नाम का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द आर्टेन यानी आर्टेन का नौकर एंड ये मूव हो गए थे कहाँ से थेबेस जहाँ पे ये प्रारंभ में रहते थे थेबेस में थेबेस ये आखिर ट चले गए थे जो कि आज अमारना के नाम से जाना जाता है और ये अटैक किए थे आमून गॉड आमून के मंदिरों को कई सारे मंदिरों को उन्होंने तुड़वाया था और मूर्तियों को भी तुड़वाया था और जैसा कि आमून जो गॉड है उनकी मूर्ति को भी इन्होंने तुड़वाया था और इसीलिए जो लोग थे वो पसंद नहीं करते थे क्योंकि आमून को लोग मानते थे अमून को किंग टूट ने भी मानना स्टार्ट किया और उन्होंने इसी वजह से अपना नाम आमून किए यानी उन्होंने अपना नाम में अपने नाम में आमून किए हुए थे और इन्होंने उसी आमून गॉड आमून की जो मूर्ति है उनको उन्होंने तुलवाया था अटैक किए हुए थे और जिसकी वजह से इनको जो है लोग पसंद नहीं करते थे अब इसके बाद जो आए वो आए इसमें करे इसमें करे ये एक मिस्टीरियस किंग थे और ये बहुत ही कम टाइम तक ये भी शासन किए हुए थे और इसके बाद जो आए वो आए किंग टूट जिनके बारे में हम आयोजन कर रहे हैं जो किंग टूट थे उन्होंने अपना नाम चेंज किए थे और इस तरह से इनका नाम हो गया टूटन खामून, जिस तरह से हमने देखा आमून, आमून वर्ड ताकि जो लोग थे वो आमून गॉड आमून को मानते थे और इसीलिए इन्होंने अपना नाम चेंज कराया और बोले टूटन Tutankhamun टूटन खामून का मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ आमून, यानी आमून की जीवित तस्वीर आमून जो है वो इजिप्शियन गॉड थे सन एंड एयर के यानी एक तरह से गॉड है जिनको लोग मानते थे और किंग टूट भी मानते थे एंड जो किंग टूट है वो नौ वर्ष तक शासन किए एंड जो ऑरियन है ऑरियन को माना जाता है कि लाइफ के बाद लाइफ के बाद जो भगवान है वो ऑरियन है और इसे इस तरह से माना जाता है द शोल ऑफ और की आत्मा और इस तरह से ये सारी चीज़ें सामने आती हैं आगे जो है किंग टूट की जो मम्मी है उनका सिटी स्कैन किया जाने वाला था वैसे तो कई सारे राजा आए कई सारे किंग आए बट उनमें से जो किंग टूट थे वही फर्स्ट किंग थे जिनकी मम्मी का सीटी स्कैन किया जाने वाला था यानी 3300 वर्ष बाद उनकी मम्मी को निकाला गया था फिर से और उनका सीटी स्कैन किया जाने वाला था अब जब उनका सीटी स्कैन किया जाने वाला था तब कई सारी चीज़ें आ जाती है प्रॉब्लम्स आ जाती है जो मशीन रहता है उस मशीन में रेत आ जाता है यानी मशीन की जो जो कूलर है उसमें रेत आ जाता है जिसकी वजह से वो काम नहीं करता है सो so, ऐसा माना जाता है कि किंग टूट का ये श्राप है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ये सारे, चीज़े, ये सारे सम, जो दिक्कतें हैं वो आ रही है क्योंकि किसी ने उनकी मम्मी को उनकी सिमेट्री से निकाला है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएँ आ रही है और ऐसी मान्यता कही जाती है एंड जब इनके सिटी स्कैन से जब इनका स्कैन किया जाता है तब कई सारी चीज़ें सामने आती हैं और सेवनटीन हंड्रेड डिजिटल एक्सरे इमेज प्राप्त किया जाता है एंड जीरो पॉइंट सिक्स मिलीमीटर स्लाइस में इनका पूर्वालोकन किया जाता है कि इनकी डेथ का एक्चुअल रीज़न क्या है और क्या क्या क्या, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आई और जो स्कैन होता है वो हेड से लेकर के टो तक घुटनों तक यानी टो तक उनका जो है सी स्कैन किया जाता है एंड आगे क्या होता है आगे जो है जब इनकी मम्मी को फिर से उनकी सिमेट्री में ले जाया जाता है तब ये माना जाता है कि इनके जो टूम है टिंग टूम के ऊपर जो तारों का समूह है उन तारों के समूह को ये कहा जाता है कि वो ओरियन है ओरियन जो कि द ए इजिप्शियंस न्यू एज द शोल ऑफ और जो एनशेंट इजिप्शियंस है वो ये मानते हैं कि ये ओरिसिस की आत्मा है और यही जो है इनकी मम्मी की निगरानी करते हैं यानी इस तरह से मान्यता है कि वो उनकी निगरानी कर रहे हैं और इस तरह से किंग टूट की जो स्टोरी है किंग टूट कैसे और किस तरह से लोगों के लिए क्या कुछ किए हैं जिसकी वजह से लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए हैं और इस तरह से किंग टूट की जो स्टोरी है वो समाप्त हुई आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल देन थैंक यू